सबर कर विक्की, मुझे एक बात बता यार, तूने कभी अपनी कुंडली बनवाई है? क्या बात कर, मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछ। पता कर ले भाई, आई एम श्योर शनि की साढ़े सती चल रही है तेरे हॉरोस्कोप में। क्या बकवास कर रहा है तू यार, क्या मेरी ऐसी की तैसी उड़ पड़ी है और तू यहाँ ज्योतिष आचार्य बना घूम रहा है? दर्द के मारे पूछना भूल गया, ये क्या पहन के तू घूम रहा है? तू ऑफिस में या गोवा में? आई 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 यार, एक्चुअली क्या बताऊं तुझे, काम में मन नहीं लग रहा यार, जिया नहीं है ना, आई एम फीलिंग टू लोनली। तो मैंने क्या किया, अपनी ना सडन छुट्टी डिक्लेयर कर दी, ना आई एम इन हॉलीडे मूड। बात करूं तुझसे, मैं देख रहा हूँ आजकल तेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा, इट्स नॉट। अबे तू सिखाई कर ना, सिखाई मत कर, जब देखो पढ़ाने बैठ जाता है, चल बाय, मैं घूमने जा रहा हूँ। हाय 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 निया, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना, तेरे जूजू को चीटिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसे में तू चीटिंग की रानी बनने जा रही है। व्हाट इज दिस, अगर तू राइटर है तो तुझे खुद लिखना चाहिए। जादुई खटर पटर, अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं कह रही हूँ ना वो टाइप करो। लिखो, जूजू बेचारे काम के बोझ के मारे थके हारे कितना काम करेंगे, ऐसे में निभाते हुए दोस्ती का फर्ज वेला करेगा कुछ अर्ज। ओए हाय 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 हाय, ये मुझे क्या हो रहा है? विक्की, मैं विक्की, विक्की मेरे दोस्त, हेलो, इधर इधर। तू क्यों परेशान हो रहा है यार, तेरी परेशानी की हर चट्टान को तेरा ये दोस्त अपने दिमाग के हथौड़े से तोड़ देगा मेरे भाई। अरे क्या बकवास कर रहा है यार, यहाँ वैसे ही दर्द के मारे क्या दर्द दर्द कर रहा है? भूल गया बच्चन साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बच्चन साहब शायद भूल गए, जब घोड़े का इंजेक्शन लगता ना तो मर्द को भी दर्द होता है। अब किसी भले मानस ने ये भी कहा है, और क्या खूब कहा है, कि वक्त अगर ठीक ना हो ना तो वक्त के साथ खेल लेना चाहिए। ये वाला अच्छा है, किसने कहा? आचार्य कैप्टन वीरेंद्र लखनपाल। ये कौन? अबे मैं वेला तेरा दोस्त। गधे ऐसा बोलना, अरे छोड़ना यार, चल वक्त के साथ लंगड़ी खेलते हैं। तेरी टांग में दर्द हो रहा है ना? हाँ। एक टांग को यूं उठा ले और मेरे पीछे भाग, तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे बात समझा कर यार, तो समझ वेला की क्या कर रहा तू? वेला मैं, हां हां, टांग ऊपर कर, टांग ऊपर कर, पकड़ पकड़, ए ए ए ए, कम ऑन गधा सही कह रहा था, वक्त सही नहीं हो तो वक्त के साथ खेलना चाहिए। ये हो क्या रहा है? वेला का भी खुद पे कंट्रोल नहीं है, मेरा भी खुद पे कंट्रोल नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है, और जहां गड़बड़ है वहां जीनी है। जीनी, मैं अभी इसको फोन करता हूं। एक मिनट जीनी। क्या हुआ, क्यों फोन कर रहे थे? देखो जो भी है जल्दी बताओ, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या बताऊं जीनी, आज का दिन बहुत बकवास जा रहा है। और मेरा एकदम झकास, पता है जूजू, आज ना मेरे घर में क्या 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 घर में है? चतुर बाबू तो ठीक है ना, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी। ओहो जूजू, आपको पता है ना मैं बोली हूँ, कोई गड़बड़ नहीं हुई आज, तो मैंने वो किया जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग करते हैं। मतलब ये कि इतनी भी जल्दी क्या है, जब आप घर पे आओगे ना तो खुद ही पर्दा उठ जाएगा, सरप्राइज है आपके लिए। ओके सुनो, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ, ओके बाय। अरे सुनो तो, बिना कुछ बोले चली गई, जरूर घर में कुछ कांड किया होगा। ये कहती है अपने आप को भोली, मैं भोली हूँ, लेकिन भोली नहीं है, बंदूक की गोली है। स्पीडी पाय, क्या है स्पीडी पाय? कमिंग। अब कहानी में एंट्री होती है इस कहानी की खलनायक, मेरा मतलब है सेकंड हीरोइन की, तीखी मिर्ची
महापकाव, टेंशन का भोपू, गुस्से की अंगीठी, उस स्वीटी पाई प्रिया की। और जैसे ही इस फैशन फुलझड़ी की नजर मेरे जूजू पे पड़ती है, पता है वो क्या करती है? हाय स्वीटी पाई, हाउ आर यू स्वीटी पाई? स्वीटी पाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बेबे, ये मत पूछो कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछो कि क्या क्या नहीं हुआ। ओह, तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अब आता है कहानी में मजेदार ट्विस्ट। स्वीटी पाई जूजू के जितने करीब जाने की कोशिश करती है, जूजू स्वीटी पाई से उतना ही दूर रहने की कोशिश करते हैं। नहीं समझे? मतलब ये कि अगर स्वीटी पाई करे तो जूजू करे शू, अब सब ठीक हो जाएगा। बस मत हो मेरे, दूर हो मुझसे। ये तुम क्या कह रहे हो स्वीटी पाई? मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ? खबरदार, जब मेरे पास आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो स्वीटी पाई, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए स्वीटी पाई। अच्छा, क्या किया तुमने? कुछ में पानी फेंक दिया। ये मैंने क्या कर दिया? बेबी मेरा यकीन करो, बेबी बेबी बेबी, हाँ बेबी, ये मैंने तो किया बेबी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया बेबी। तुम तो कुछ कहो ये बात। बेबी बेबी, मैं तुम्हें अपनी व्यथा वाली कथा कैसे समझाऊँ? मेरा यकीन करो। हाँ, मैंने फेंका तुम पर पानी, ये तो सिर्फ एक ग्लास था। मेरा तो दिल करता मैं तुम्हें उठाकर स्विमिंग पूल में पटक दूँ। और सुनाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद, समझी? बिल्कुल भी नहीं। क्या 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 करी हो? और सुनना चाहती हो? सुनो, बंदरिया हो तुम, बंदरिया, अव्वल दर्जे की बंदरिया हो। अरे बंदरिया तो बहुत कम है, बद दिमाग बंदरिया। और सुनो सुनो, बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मोटा कर दिया है मुझे, और कुछ आता नहीं तुम्हें बोलने के लिए। स्वीटी पाई फिर से बोली। देखो विक्की, विक्की मेरी बात सुनो, सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है? बेबी मैं सच करो, बेबी मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब मैं क्या करो बेबी? ये क्या है? विक्की इन द ईगल शैडो। मैं कराटे और कुंफू में ब्लैक बेल्ट हूँ, समझे? तुम जैसी डब लड़कियों से तो मैं बात भी नहीं करता। टॉक टू माय हैंड टिल देन आई रेस्ट। देखो विक्की, ये ज्यादा हो रहा है। हाँ, तुमने मुझे डम कहा? क्या तुमने सिर्फ डम सुना? और सुनो, डम डमा डम डम्बो। विक्की, विक्की यार कहाँ चला गया तू यार? वो पकड़न पकड़ाई में तू मुझे पकड़ ही नहीं पाया यार। मेरा फिर से मन कर रहा पकड़न पकड़ाई खेलने का। चल ना, खेले ना, खेलना 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 खेलना। देख नहीं रहा है, मैं प्रिया से बात कर रहा हूँ, प्रिया से। तुम तो कुछ कहो ही मत। जब जब वो टेंशन की सुनामी स्वीटी पाई मेरे जूजू को टेंशन देती है, तब तब वेलू एक अच्छे दोस्त की तरह जूजू को मस्ती की बस्ती में ले जाता है। अरे पकड़न पकड़ाई खेलते हैं ना, इस डम्बो से बाद में बात कर लेना। वेलू, तुमने भी मुझे डम्बो कहा? मुझसे पहले भी तुम्हें किसी ने कहा डम्बो? मैंने कहा। अच्छा? हाँ? अब तो मिल के चिढ़ाते हैं ना यार। अच्छा? हाँ? आ गया। इतना बड़ा जहाज छोटे से रनवे पे भी लैंड हो गया। क्या हो रहा है विकी? देखा प्रताप, मैं बोल रहा था ना कि मामला बहुत सीरियस है। आ, 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 कैप्टन विकी का हालत बहुत नाजुक है। नहीं सर, वो दरअसल यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ना सर, वो मैं नहीं कर रहा था।
ओ शैड आप विक्की, तुम नहीं कर रहे हो तो क्या मैं कर रहा हूं? वहां मीटिंग में तुमने मेरी चंपी की और ऊपर से कह रहे हो कि ये सब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्या चंपी? और पता है डैड, अभी ये और वेला मुझे डम्बो डम्बो कह के चिढ़ा रहे थे। What? लेकिन मुझे तो विक्की सर ने प्यार से चप्पी दी और पपी भी दी। भगवान करे ऐसा ही हर रोज करे। देखिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं कि ये जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, ये जो कुछ भी मैंने किया ना, इसके पीछे एक कारण है। हाँ, कारण है, और वो कारण ये है कि तुम पागल हो चुके हो। ये बताइए कि आज के जमाने में पागल कौन नहीं है? सभी पागल है। कोई पैसों के पीछे भाग रहा है तो कोई नाम के पीछे भाग रहा है, बस सब के सब भागे चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है, दौड़। घबराओ मत, इतना भी पागल नहीं हूं मैं, ये पीने के लिए। तो मैंने ये सोचा सर कि इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में क्यों ना हम एक दिन, सिर्फ एक दिन बच्चे बन जाए सर। What? बच्चे बच्चे बन के शरारत करें, नौटी हो जाए, हल्ला गुल्ला मचाए, है ना सर? और इसी एक दिन को हम नो स्ट्रेस डे नाम से मनाएं। इसीलिए सर मैंने वेला के साथ, आपके साथ, आपके साथ, यहाँ तक के छपरी के साथ भी मैंने शरारत की सर। अच्छा, और जो तुमने मेरे साथ किया वो? बेबे बेबे वो तो मैं। चुप रहो तुम, तुम तो कुछ कहो ही मत। प्रिया लिसन, प्रिया मेरी बात सुनो। विकी सर, मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, जाकर आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, और तब तक वापस मत आना जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। आप ठीक कह रहे सर, मुझे घर जाना चाहिए। बाय बाय। ये क्या कर रहे हो तुम? थक गया था ना सर, तो नींद आ रही थी। It is very tired. Shut up, Vela. Doctor, let's go. मस्त बनाता है यार। क्या जीनी, पूरी कहानी आज ही खत्म कर देगी क्या? अरे आराम से ले, आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि तू आने वाले कल की बहुत बड़ी राइटर बनने वाली है। आज तूने जो भी कुछ लिखा वो तो सिर्फ तूने हाथ साफ किया है, असली हंगामेदार कहानी तो आगे है। डम्बो? मतलब बेवकूफ? मतलब कि मैं? मतलब ऐसे कैसे? और मुझको विकी ने, विकी तो विकी, वेला भी, डैड सच बताइए, क्या मैं डम्बो हूँ? प्रिया बेटी, वो जो नए एयरक्राफ्ट हमने खरीदे हैं उसके बारे में बात मत बदलिए, बोलिए क्या मैं सच में डम्बो हूँ? हम वॉन प्रिया बेटे, अरे ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाया करते। विक्की का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ओके? हो सकता है कि वो टेंशन में हो, एंड यू नो मैं क्या बताऊं। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अब इस सवाल का जवाब तुम जिस तरीके से दोगी उससे तुम्हें भी ये पता चल जाएगा कि तुम डम्बो हो या नहीं। ओके डैड। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि करंट अफेयर्स के बारे में तुम क्या जानती हो? सब कुछ पता है मुझे अफेयर्स के बारे में डैड, इनफैक्ट अफेयर्स के बारे में मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। मेरे सारे फ्रेंड्स के सारे अफेयर्स के बारे में मुझे सब कुछ पता है। और करंट, अब याद है जब मैं 6 इयर्स ओल्ड की थी तब मुझे करंट लगा था? याद है,
प्रिया बेटे, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि दुनिया में आजकल में घटने वाली घटनाएं। खैर छोड़ो, एक बात बताओ, तुमने जब से कॉलेज पास किया उसके बाद तुमने कभी कोई किताब पढ़ी है? आई मीन बुक। ऑफ कोर्स डैड, कितनी सारी बुक्स पढ़ी है। कौन सी? सारी बुक्स जितने फैशन, लाइफस्टाइल, मूवीज के बारे में होता है, मैंने वो सारी बुक्स पढ़ी है। अब बोलिए, मैं डम्बो नहीं हूँ ना? अब मैं क्या बोलूं? आप तो कुछ बोलिए ही मत डैड। समझ गई मैं, आपको भी यही लगता ना कि मैं डम्बो हूँ। कोई बात नहीं डैड, जब तक मैं आपको, विकी को और सारी दुनिया को ये प्रूव नहीं कर देती कि मैं डम्बो नहीं हूँ, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ओह कम ऑन प्रिया, दिस इज नॉट फेयर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। डैड प्लीज, कुछ बोलिए ही मत आप तो। प्रिया लिसन, लिसन प्रिया। शाम का वक्त है और जूजू थके हारे ऑफिस से वापस आते। जीनी यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक मैं इतना थक क्यों गया हूँ? जूजू मैं आऊँ। अरे जीनी तुम वहाँ हो? अच्छा चलो भाई, बताओ क्या सरप्राइज देने वाली थी तुम? जूजू पहले मेरी तरफ देखिए तो सही, अपनी नजरों का तीर फेंकिए तो सही। क्या गेटअप लेकर रखा है तुमने? हाँ पर ये तुम शर्मा क्यों रही हो? जीजू वह इसलिए कि मैंने वो काम कर दिखाया है जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग करते हैं। अब आपको भी मानना ही पड़ेगा कि मैं अपने इंटेलिजेंट जूजू की इंटेलिजेंट जीनी हूँ। अच्छा ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे जूजू मैं तो छा गई, मलाई पेड़ा खा गई। पता है मैं राइटर बन गई राइटर। अब से मेरा नाम होगा जीनी स्पियर। राइटर? और तुम? देखो जीनी क्या है ना कि मजाक करना अच्छा है, इट्स गुड फॉर हेल्थ, पर ऐसा भी मजाक मत करो जिसके वजह से हंसते हंसते मैं रो पड़ूं और रोते रोते मैं गिर पड़ूं। दैट विल बी बैड फॉर माय हेल्थ। जूजू आपको मजाक लग रहा है ना? ठीक है चलो, इसी बात पे एक शेर अर्ज है और सुनना आपका फर्ज है क्योंकि आप मेरे जूजू हो। इरशाद, हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए राइटिंग के टब भर दिए। हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए राइटिंग के टब भर दिए। वो आए, नहाए और चल दिए। हाय 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 हाय, कातिल कातिल, लगा लगा। हो गया? हो गया नहीं, मेरा दिल रो गया। इतने प्यार से मैंने आपको शेर सुनाया और आप हो कि चल ठीक है, जो तुमने कहा वो मैंने मान लिया। ओके अब वो बुक तो दिखा दो जिसमें तुमने लिखा है। अरे नहीं जूजू, वो बुक अभी नहीं दिखा सकती, सब आधा अधूरा लिखा है। एक बार जब मैं पूरा कर दूंगी ना फिर आपको गिफ्ट दे दूंगी। अरे क्या गिफ्ट कर दोगी, अभी जो कुछ भी लिखा है वो तो बता दो ना। नमूना एक दो पन्ना ही बता दो। अच्छा। ए जादुई खटर पटर, कुछ ऐसा लिख दो जिससे मेरे जूजू इम्प्रेस हो जाए। अर्ज है, आप आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। ये तुमने लिखा है? हाँ, कोई शक? ओरिजिनल है? कोई शक? ओरिजिनल है? व्हाट ए ओरिजिनलिटी। वैसे मोहतरमा मैं तुम्हें बता दूं कि ये शेर मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब ने लिखा है जिसकी तुमने सफाई से चोरी की है। अर्ज है, मर्ज है, फर्ज है। वाह, ऐसे राइटर बन रही हो तुम चोरी करके? खैर एनीवेज, मैं भी थका हारा, काम के बोझ का मारा, जा रहा हूं सोने। और हाँ मोहतरमा, यू कंटिन्यू चोरी की राइटर। चोरी कर करके राइटर बन जाओ और जैसी किताब कंप्लीट हो जाए ना उस पर अपना नाम लिख देना, चोरनी चोरनी। चोरी कर करके राइटर बन रहे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।